पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों के लिए कनेडा सरकार के वल्लों एक बड़ा झटका दिता गया है, जिथे वर्क परमिट बढ़ाने रोक लगाई गई है। इस दे नाल 5 लाख तो वध वर्क परमिट के विद्यार्थी ने कनेडा दे विच जिन्हां ते सीधा सीधा असर पएगा ते कईआं नूं वापस भी मुड़ना पै सकता है। पर वड्डी गल इत्थे इह है कि इह जानना ज्यादा जरूरी है कि किहड़े विद्यार्थी अजे भी अपलाई कर सकते ने जां उत्थे वर्क परमिट लै सकते ने। दरअसल जिन्हां विद्यार्थियों का 1 जनवरी 2024 नूं वर्क परमिट खत्म होने जा रहा है, उन्हां दा सरकार वल्लों अगे दा वर्क परमिट नहीं वधाया जाएगा। पर जिन्हां विद्यार्थियों का वर्क परमिट 31 दसंबर नूं खत्म हो रहा है, वो अजे भी 18 महीनों लिए अपना वर्क परमिट वधाउण लिए अपलाई कर सकते ने। IRCC इमीग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनेडा दे वल्लों ये जानकारी सांझी की गई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थी अजे भी ओपन वर्क परमिट वधाउण लिए अपलाई कर सकते ने। IRCC का कहना है कि जिन्हां विद्यार्थियों नूं 6 अप्रैल 2023 नूं वर्क परमिट दिता गया सी तां ओह विद्यार्थी 31 दसंबर तों पहलां ओपन वर्क परमिट लिए अपलाई कर सकते ने। पढ़ाई खत्म करन तों बाद ये विद्यार्थी कनेडा दे विच रह के काम कर सकते ने। हालांकि इत्थे विभाग दा भी अंदाजा आया कि 2023 दे विच लगभग 1,27,000 पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट दी म्याद खत्म हो जाएगी। हालांकि 67,000 पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट धारकां ने पहला ही वर्क परमिट लई अप्लाई कर लिया है, जबकि अजे बाकियां दा अप्लाई करना बाकी है। ते कुछ विद्यार्थी अजिहे भी ने जिन्हां नूं अप्लाई करन दी भी जरूरत नहीं है, बल्कि इस नवी पॉलिसी दे विच उन्हां नूं वर्क परमिट मिल सकता है। विभाग का कहना है कि 31 दसंबर तक अप्लाई करन दे लई वेबसाइट ते जाके अप्लाई कीता जा सकता है। सो जिन्हां विद्यार्थियों का 31 दसंबर 2023 नूं वर्क परमिट खत्म हो रहा है, उन्हां नूं वापस नहीं मुड़ना पेगा। उन्हां नूं 31 दसंबर तो पहला अपने वर्क परमिट वधाउण दे लई अर्जी लाउणी पेगी। कनेडा दे विच पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों के लिए कनेडा सरकार दे वल्लों एक वड्डा झटका दिता गया है, जिथे वर्क परमिट वधाउण ते रोक लगाई गई है। इस दे नाल 5 लाख तो वध वर्क परमिट ते विद्यार्थी ने कनेडा दे विच जिन्हां ते सीधा सीधा असर पएगा ते कईआं नूं वापस भी मुड़ना पै सकता है। पर वड्डी गल इत्थे इह है कि इह जानना ज्यादा जरूरी है कि किहड़े विद्यार्थी अजे भी अप्लाई कर सकते ने जां उत्थे वर्क परमिट लै सकते ने। दरअसल जिन्हां विद्यार्थियों का 1 जनवरी 2024 नूं वर्क परमिट खत्म होने जा रहा है, उन्हां दा सरकार वल्लों अगे दा वर्क परमिट नहीं वधाया जाएगा। पर जिन्हां विद्यार्थियों का वर्क परमिट 31 दसंबर नूं खत्म हो रहा है, वो अजे भी 18 महीनों लिए अपना वर्क परमिट वधाउण लिए अप्लाई कर सकते ने। IRCC इमीग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनेडा दे वल्लों ये जानकारी सांझी की गई है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थी अजे भी ओपन वर्क परमिट वधाउण लिए अप्लाई कर सकते ने। IRCC का कहना है कि जिन्हां विद्यार्थियों नूं 6 अप्रैल 2023 नूं वर्क परमिट दिता गया सी तां ओह विद्यार्थी 31 दसंबर तों पहलां ओपन वर्क परमिट लई अप्लाई कर सकते ने। पढ़ाई खत्म करन तों बाद ये विद्यार्थी कनेडा दे विच रह के काम कर सकते ने। हालांकि इत्थे विभाग दा भी अंदाजा आया कि 2023 दे विच लगभग 1,27,000 पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट दी म्याद खत्म हो जाएगी। हालांकि 67,000 पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट धारकां ने पहला ही वर्क परमिट लई अप्लाई कर लिया है, जबकि अजे बाकियां दा अप्लाई करना बाकी है। ते कुछ विद्यार्थी अजिहे भी ने जिन्हां नूं अप्लाई करन दी भी जरूरत नहीं है, बल्कि इस नवी पॉलिसी दे विच उन्हां नूं वर्क परमिट मिल सकता है। विभाग का कहना है कि 31 दसंबर तक अप्लाई करन दे लई वेबसाइट ते जाके अप्लाई कीता जा सकता है। सो जिन्हां विद्यार्थियों का 31 दसंबर 2023 नूं वर्क परमिट खत्म हो रहा है, उन्हां नूं वापस नहीं मुड़ना पेगा। उन्हां नूं 31 दसंबर तों पहलां अपने वर्क परमिट वधाउण दे लई अर्जी लाउणी पेगी।